हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम बताएंगे आपको कि जो हम लोग की हिबिस्कस है यानी कि गुड़हल, इसकी कलियाँ पीली पड़ करके क्यों गिर जा रही है। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे कई व्यूअर्स के पास लगातार हो रही है और वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका कारण भी जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कई सारे कारण हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत जो है सबसे पहले मेन कारण से करेंगे जो कि आजकल जिम्मेदार है इस समय हिबिस्कस की कलियों को गिराने के लिए, और वो कारण है कीड़े मकोड़े, पेस्ट यानी कि। इस समय जो है गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और इसीलिए जो प्लांट्स हैं उसमें जो है कीड़े मकोड़ों का अटैक भी बढ़ गया है। और जब बहुत सारे कीड़े अटैक करते हैं, जैसे कि एफिड्स करते हैं, स्पाइडर माइट्स करते हैं और थ्राइप करते हैं, मिली बॉक्स है, बहुत सारे कीड़े हैं, तो आपको जो है ये चीज़ देखती रहनी पड़ेगी। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, हमने एक सैम्पल अपने प्लांट में रख रखा है इसका, एफिड्स का। ये देखिए, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये देखिए छोटा सा, इसको जो है अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आपको तुरंत हाथ से इसी तरीके से करके इसको हटा दीजिए। सबसे इजी तरीका ये है कि प्लांट को चेक करते रहो और इसको तुरंत ही हटा दो। सपोज़ अगर बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, तो उस कली को या एक छोटी कोई ब्रांच है तो उसको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए प्लांट से। और फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा है और आपका मन नहीं कर रहा है उसको लेने हटाने का, तो आपको जो है इसमें सोप सॉल्यूशन का स्प्रे करिए, नीम ऑयल का स्प्रे करिए, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे जो है इस समय गर्मियों में मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ही करिएगा और थोड़ा कम मात्रा में करिएगा, लेकिन तो नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक छोटा सा कीड़ा आता है, बिल्कुल पतला पतला सा, लंबा लंबा सा, महीन सा, वो होता है थ्राइप। थ्राइप जो होता है इन कलियों में खूब आ जाता है, खूब ढेर सारा हो जाता है और इनको खाता है। वो खाते खाते इन कलियों के अंदर वो घुस जाता है, घुस करके इन्हीं के अंदर वो अपने अंडे बच्चे दे देता है, लावा दे देता है। और इसी के चक्कर में अंदर वो खाता रहता है, इस चक्कर में जो प्लांट की कलियां होती हैं उसको पौधे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो है धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की कमी के चक्कर में वो पीली पड़ करके गिर जाती है हमारे प्लांट से। अच्छा, जो कीड़े मकोड़े थ्राइप जो है कली के अंदर चला गया, वो तो आपको दिख ही नहीं पा रहा है और आप सोच रहे हो पता नहीं क्यों गिर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, गौर से देखिएगा अपने प्लांट में, स्पेशली जो नई ग्रोथ है, कि वहाँ पर ये कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं। अगर लगे हैं आपको, तो आपको जो है तुरंत ही पेस्टिसाइड वगैरह डाल करके उसका इलाज करना होगा। अगर आपका कोई भी घरेलू चीज़ काम नहीं कर रही है, सोप सॉल्यूशन वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो आप सबसे अच्छा ये है कि आपके घर के आसपास कोई भी नर्सरी की दुकान हो जहाँ पर ये दवाइयाँ मिलती हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वहाँ जा करके अपनी प्रॉब्लम को बता करके एक कोई दवाई ले लीजिए जो कि प्लांट में आप डाल सकते हो। उस दवाई को जो है हर 5-6 दिन में रिपीट ज़रूर करिएगा। कैसे यूज़ करनी है वो सब पैकेट में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, इसलिए रिपीट ज़रूर करिएगा, क्योंकि 5-6 दिन बाद जो लावा होते हैं, तो कीड़े तो मर जाते हैं लेकिन उनके लावा नहीं मरते हैं, तो जो लावा है उनमें से कुछ दिन बाद फिर से कीड़े के बच्चे निकल आते हैं और फिर से वो मैच्योर होकर के अपनी संख्या को, पॉपुलेशन को बढ़ाने लगते हैं, तो फिर आपके संग वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है दवाई लेकर आना और उसको जो है 5-6 दिन हफ्ते भर में रिपीट करते रहना, तब तक जब तक आपको लगे कि मेरी समस्या का हल नहीं हो गया है। जब आप देखो कि कीड़े मकोड़े हट गए हैं, तो अपने प्लांट में उसके बाद खूब ढेर सारा बर्मी कंपोस्ट, बोन मिल वगैरह डाल करके, उस गोबर खाद वगैरह जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हो उसको डाल करके प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट दो, ताकि प्लांट में दोबारा से एनर्जी आए और फिर से वो अपनी ग्रोथ बनाए, कलियाँ बढ़ाएँ। अच्छा फ्रेंड्स, इस केस में आप एक चीज़ और करना कि आपकी जितनी भी कलियाँ पुरानी लगी हुई हैं जिसमें कि मतलब कीड़े लगने के चांसेस हैं, उन सब कलियों को भी आप तोड़ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर जो हैं वो अभी भी आपके कीड़े मकोड़े हों, थ्राइप हो, तो वो सब हटा करके अपने आप सीधे डस्टबिन में डालिएगा, अपने कंपोस्ट में बिल्कुल मत डालिएगा। तो इसके अलावा दोस्तों, एक दो कारण और भी हैं
जिससे कलियां पीली पड़ती हैं, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया या फिर बहुत कम पानी डाला, दोनों ही केस में पत्तियां कलियां जो हैं ये पीली पड़ जाती हैं। और एक ये भी है कि इस समय जो है मौसम गर्म होता जा रहा है, धूप बहुत तेज़ हो रही है और इस प्लांट को जो है धूप आपको चाहिए, 4-5 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में आप या तो मॉर्निंग की सनलाइट इसको दिखाओ या फिर शाम के समय 3 बजे के बाद जो होता है 3:30 बजे के बाद की सूरज की रोशनी दिखाइए, अच्छा चलता रहेगा, प्लांट भी ग्रोथ करता रहेगा। फ्रेंड्स, इन सब कारणों में देखिएगा आपके कौन सी चीज़ आपके उसमें है, क्यों पीली पड़ रही है, चेक करिएगा। और इसके बाद हिबिस्कस पर थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली नई ग्रोथ पर, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े हैं नई ग्रोथ पर अटैक करते हैं और अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दोगे तो समय रहते ही आपकी जो तकलीफ़ है, आपके प्लांट में जो कीड़े हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।